क्या सारे बयान है? सारे बयान बदल गए। तो उन्होंने कहा एक मुकरा हुआ गवाह यदि इस तरह की हरकत करेगा, ये था ट्रायल कोर्ट का। हाँ। तो याद रहे विधि अकेली होकर निराश्रित नहीं है। उसमें एक तरह से थर्ड कुछ नहीं है, ब्रॉड डे लाइट में मारा है तुमने उसको। आप पर जो कन्विक्शन दिया इसमें तीन चार लोगों को तो पुलिस ने एनकाउंटर में मार डाला। मारा नहीं है तो तुम लोग मार के भाग रहे थे। भागने वालों में है? भागने वालों में, भागने वालों में। क्लियर केस है तुम लोग का मर्डर का? कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो, क्लियर केस है। हम रात देख क्या हुआ मुकदमा पढ़ो। गरीब लोग हैं मालौट, सब्जी बेचते हैं। सब गरीब हाथ जो सजा होती है सब गरीब हो जाते हैं। नहीं ये तो है। चलो परस्वी पढ़ो। क्या नाम है तुम्हारा? कमलेश, अपीलांड नंबर दो। और दरखास्त कौन सी है? थर्ड। दूसरी कब खारिज हुई? दूसरी खारिज हुई है इसकी 19/7/23। कुछ है नहीं मालूम, देखेंगे तो अपने आप पता। हम तुम्हारी बात पर नहीं आ रहे हैं, कुछ और बात। तुम्हारा जो मुकदमा बहस किए थे उसको याद करके हंस रहे हैं। मालूम क्या बोला, कौन सा मुकदमा बहस? याद रहे विधि अकेली होकर निराश्रित नहीं है, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह देखे और समझे। वो है मेरे पास है। क्या वो अलग? हाँ राइट, ट्रायल कोर्ट ने लिखा था। तो अभी बहस क्या थी उसमें? उसमें माय लॉर्ड क्या सारे बयान बदल गए। तो उन्होंने कहा एक मुकरा हुआ गवाह यदि इस तरह की हरकत करेगा, ये था ट्रायल कोर्ट का। हाँ। तो याद रहे विधि अकेली होकर निराश्रित नहीं है। उसमें एक तरह से जो डरा दिया उन सबको, सबको आजीवन दे दिया। कुछ लोगों को एक्यूडेंट होना था। जज साहब थे, जब उनके पास आया मसला फांसी को सजा देना है, अब प्रोसिक्यूशन ने 10 मुकदमे दे दिए सुप्रीम कोर्ट के कि साहब इसमें फांसी सजा होनी चाहिए, और 10 दे दिए उसने डिफेंस ने कि नहीं होना चाहिए, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में नहीं आता। तो वो अपने फैसले में लिख दिए जज साहब कि सारे क्या बोलते तुम लोग उसको, नजीर नहीं क्या बोलते हैं, न्याय दृष्टांत, सारे न्याय दृष्टांतों को पढ़ने के बाद मेरा ये मत ये है कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने मचाया है। हम क्या करें, तो लिख तो दिया भाई साहब वो। अब वो मुकदमा हाईकोर्ट में आया तो जब पढ़े सब उसको कि सब सुप्रीम कोर्ट ही बचाया है तो उसका कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दिया। क्या इसमें, क्या नाम है तुम्हारा? कमलेश, अपीलांड नंबर दो। हाँ पढ़ो। पैरा दो से रिलेवेंसी है 3 प्रकरण में अवलोकनीय तथ्य है कि प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना में शामिल आरोपीगढ़ में से आरोपी बंटी उर्फ मोहनदास क्रमांक मोहनदास दिनांक 8/8/23 को, आरोपी रवि उर्फ ओम प्रकाश दिनांक 6/11/23 को एवं आरोपी राजेश दिनांक 17/11/23 को पुलिस एनकाउंटर में मारे गए तथा विचारण के दौरान दिनांक 25/8/2008 को आरोपी कल्ला ओम प्रकाश का देहांत हो जाने से उसके विरुद्ध कार्रवाई समाप्त की गई। अन्य आरोपी कमल रावत के अनुपस्थित रहने से दिनांक 2/8/2019 को फरार घोषित किया गया। इस कारण इस निर्णय द्वारा शेष रहे अभियुक्तगण हरिशंकर मुन्ना दीवान कमलेश ज्ञानेश एवं अनिल के संबंध में निराकरण किया जा रहा है।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 28/7/2003 को आरक्षक नरेंद्र सिंह अपने साक्षी आरक्षक महेश शर्मा के साथ सवेरे करीब 6 बजे मुलजिम रवि उर्फ ओम प्रकाश को ट्रेन से श्योपुर से सबलगढ़ पेशी कराने ला रहे थे। जब ट्रेन बीरपुर रेलवे स्टेशन से जैसे ही आगे बढ़ी तो ट्रेन में उक्त मुलजिम रवि का भाई राजेश एवं उसका दोस्त कमल रावत बंटी उर्फ मोहनदास आकर बैठ गए। तीन लोग बैठ गए, उसका भाई मुलजिम का, दो तीन व्यक्ति ज्ञानेश कमलेश कल्ला भूरा आदि खड़े थे, ये खड़े थे। जैसे ही ट्रेन रामपाड़ी रेलवे स्टेशन धीरे हुई तो उक्त मुलजिम रवि शर्मा, इसको हथकड़ी भी पड़ी थी, बेड़िया भी थी, शर्मा बोला कि मार दो सालों को। तभी राजेश शर्मा जो कि इसका भाई है ने महेश शर्मा को गोली मार दी जिससे वह गिर गया और उसे खींच कर गेट की तरफ ले गया। महेश शर्मा को राजेश शर्मा ले गया। मुलजिम तो चिल्लाया मार दो सालों को और हथकड़ी निकालने की कोशिश की जिस पर उसने दो फायर किए परंतु गोली उन्हें नहीं लगी तो रवि के कहने पर तत्काल कमल रावत ने कट्टे से फायर कर दिया जिससे आरक्षक नरेंद्र सिंह खून से लथपथ हो गया। रवि शर्मा ने उसकी राइफल छीन ली। तब महेश शर्मा की राइफल राउंड एवं हथकड़ी के लेकर आरयूपी को लेकर भाग गए। कुछ देर बाद दरोगा जी डीआर रोनिया आ गए जिन्होंने भागते हुए बदमाशों को देखा और घटना के संबंध में थाना सबलगढ़ में प्रदर्श P04 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। अब कितने साल हुए हैं अभी? 6 साल 4 महीने हो गए हमारे, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। नहीं नहीं, बड़ा संगीन अपराध है अभी नहीं।